कराची के सबसे बड़े माफिया और सबसे बड़े भत्ताखोरों के दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। पीछे की इलेक्ट्रिक का ऑफिस है लांडी का। यहाँ आने का मकसद क्या है? पहले इन्होंने लगाया था जो कमर्शियल कस्टमर थे उनके ऊपर 6,000 रुपए 10,000 रुपए टैक्स। उसके बाद जब वो इन्हें एहतजाज की वजह से खत्म करना पड़ा तो अब इन्होंने सारा का सारा मलबा डाल दिया है। जो सिंपल यूजर होते हैं यानी रेजिडेंशियल जो यूजर है, कंडीशन क्या है वो देख लीजिएगा भाई। एक घर के 3 बिल लेकर खड़ा हुआ, बिजली इस्तेमाल हुई 8,300 रुपए समथिंग की, फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में लिया 2,700 रुपए। दूसरा बिल है, एक ही घर है, 120 गज का एयर कंडीशन नहीं है घर के अंदर, 787 रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में ले रहे 1,200 रुपए। तीसरा बिल 3,500 रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई, 2,400 रुपए लिए गए फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में। अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है? ये वो बगैरा तो बदबख्त वो चोर लोग हैं कि ये कमबख्त लोग ये कहते हैं कि जी हम फ्यूल पे बिजली बनाते हैं वो महंगी पड़ती है, उसको बचाने के लिए अपने लॉसेस कवर करने के लिए हमें लेना होता है। तारीख इस बात की गवाह है, इनके प्लांट्स के ऊपर काम करने वाले लोगों से पूछ लें, ये फ्यूल के ऊपर बिजली बनाते ही नहीं है, ये या तो गैस पे बनाते हैं नेशनल ग्रिड से लेते हैं। और इस मौके के ऊपर क्या होता है कि जब पैसा बटोरने की बारी आती है तो बोलते हैं यार वो फ्यूल की वजह से हमें लेनी पड़ रही है। अलबत्ता जो फर्नस ऑयल की बात है वो भी आपको बता दूं, FIA ने पूरी रिपोर्ट लॉन्च की थी कि अबराज ग्रुप का एक अदर 2 नंबर इदारा मौजूद है, क्योंकि इन्हें दिखाना होता है ना कि हमने फ्यूल खरीदा है, उसके खाली टैंकर ये मंगाते थे, आधे घंटे खड़े करते थे, उसकी इन्वाइसिंग लेकर आगे बढ़ा देते थे कि हमने ये फ्यूल खरीदा, कोई फ्यूल नहीं खरीदा जाता था, टैंकर खाली होते थे। FIA ने उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी थी जिसके बाद इन्होंने उस इदारे को भेज दिया था, ठीक है जी। दूसरी तरफ ये फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला है, आज से कुछ साल पहले यूनुस भागा जो आपके पानी और बिजली के वजीर के कुछ सेक्रेटरी वगैरह थे, उनकी नजर में जब इनके ये कांड आए ना, उन्होंने बताया भाई पूरी रिपोर्ट तैयार की कि इन्होंने जाली फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में 65,000 रुपए कराची वालों का लूटा है। वो नेपरा ये मान गए क्योंकि सबकी मिली नगर थी, तो नतीजा ये हुआ कि ना नेपरा ने कुछ किया ना फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ किया, ये 1 रुपया भी हम पे फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर नहीं लगा सकते क्योंकि वो भी मुलव्वस थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि यूनुस धागा को जिस तरह सुई धागे में जो धागा बच जाता है ना उसको डस्टबिन में डालते हैं, यूनुस धागा को ही गलती कर दिया गया। अब भी अरबों रुपए हजारों रुपए के टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लगाकर भेजे गए और कोई नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट तो बहुत पड़ी हुई है जो कराची वालों के हाथ में बात करे। मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ भाई पहचानो, मतलब एक घर के अंदर 120 गज के मकान के अंदर जिसमें एयर कंडीशन नहीं चल रहा, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने वो बड़े एसी वेसी नहीं लगाए थे, वहां पे इन्होंने 7,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे। गरीब आदमी कहां से भरेगा यार, 25,000 रुपए जमाने वाले कहां से भरेगा यार, उसके ऊपर 2,000 रुपए का भी अगर एवरेज इजाफा हो जाता है वो कहां से देंगे, फिर जो इनका टैरिफ बढ़ता है वो अलग है, जो पीक आप लगते हैं वो अलग है, ये सब जुल्म है तुम्हारे ऊपर। लेकिन मसला ये कि आप उनमें खामोश बैठे रहे, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेगा, सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, सब मुंह में घुंघलियां डाल के बैठे हैं, कराची वालों के अपने बोलने को कोई तैयार नहीं है। मेरा सवाल ये यार, मैंने पहले भी कहा था हम कमाते हैं अपने लिए कमाते हैं भाई, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने घर के लिए कमाते हैं, इन गरीबों के लिए नहीं कमाते कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में थोपे चले गए, पैसे तो पैसे इनके पेट के अंदर दिए चले गए। अल्लाह का वास्ता है जागे होश के नाखून ने, एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर आज कराची उठते हो इलाकों से निकले इनके दफ्तर के बाहर आगे बैठ जाए, 1,000 आदमी 2,000 आदमी बैठे, इनका बाप तुम्हारे पेट चूम के जो है ना तुम्हारे मसाइल को हल करेगा, लेकिन तुम नहीं निकलते, घर में बैठे रहो आराम से और इसी जुल्म का शिकार होते रहो। ये भत्ता दे रहे हो अल्लाह के, भत्ता देने का जवाब ये तो देंगे लेकिन जो तुम ठंडे पेटों देते हो उसका जवाब तुम्हें भी देना होगा। होश के नाखून ने, हक के लिए बाहर निकले।